गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। बुधवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शुक्रवार की सुबह लखनऊ के लिए हुए रवाना। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। जब भारत सरकार के गृह मंत्री व कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा, फिर भी धरना न उचित है न ही है देश हित में। बीस लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त देगी योगी सरकार। किसानों की आय दुगनी करने में कारगर हो सकती है बागवानी। पूर्वांचल के सतत विकास विषयक राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी में बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। वहीं अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने नीति निर्धारण में की स्वॉट एनालिसिस पर चर्चा। मिक्सोपैथी के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के डॉक्टर हुए एकजुट। 1 दिवसीय किए हड़ताल। निजी अस्पताल, क्लिनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर में रूटीन जांच और OPD पूरी तरह से रही बंद। सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों का किया गया इलाज और हुई जांच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 दिसंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने कहा, सुलह समझौते के आधार पर वादकारी अपने मुकदमों को लोक अदालत में कराएं निस्तारण, उठाएं लोक अदालत का लाभ। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सार्थक डायग्नोस्टिक सेंटर निकट कूड़ाघाट काली मंदिर गोरखपुर की गई जांच। उक्त सेंटर को मौके पर किया गया सील। संबंधित के विरुद्ध संस्तुतित की गई विधिक कार्रवाई। बांसगांव पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किए जाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने SSP को प्रेषित किया ज्ञापन। सपा MLC ने कहा, सदन में उठाऊंगा मामला। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,441। अब तक 330 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 410 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और पूर्वांचल के सतत विकास के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी के अंतर्गत दूसरे दिन सामाजिक क्षेत्र में पूर्वांचल के विभिन्न बिंदुओं पर 5 तकनीकी सत्रों में किया गया गहन मंथन। DDU के मीडिया प्रभारी ने कहा, आने वाले समय में विकास की बुलंदियों को छुएगा अपना उत्तर प्रदेश।